हम सब लोग ये सोच रहे थे कि हम सबको कोई दूसरे शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए. My assistant goofed up. Uninvited guests. ये परी आंटी का फेवरेट ब्रोच है. सोचा था यहाँ आकर उनकी मेमोरी को ताजा करेंगे. हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते. लाइफ का ये तो फंडा है, चॉइसेस देती है. कुछ लोग पैसे को चुनते हैं, कुछ लोग प्यार. लेकिन प्यार जो है ना, किसी को भी चुनने का मौका नहीं देता. साक्षी, स्टेपल देना जल्दी से. साक्षी, मेरा ब्लश. दी की तो मीटिंग है. Where are you going? देव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी. लंच डेट. आई हैव टू मेक श्योर दैट कुशाल मेरा मुझे देखते ही रियलाइज कर दे. आई एम द वन फॉर हिम. ताकि मुझे दौलत फकिंग गंज कभी वापस ही नहीं जाना पड़े. प्लीज दी, डू व्हाट एवर यू वांट. मुझे वापस नहीं जाना. क्यों तो डर मत, वर्स कम वर्स कुछ नहीं हुआ ना. तो मैं विक्रम जी से जॉब के लिए बात करूंगी. एंड इफ नीड बी आई विल बेग हिम. क्या कहा आपने? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. हर हाइनेस रूप कवर के बच्चे किसी से किसी किस्म की भीख नहीं मांगेंगे. दिवीना, ये सब आपको शोभा नहीं देता है. यार ये शोभा है कौन, जब देखो हमारे सपनों के बीच में टांग अड़ाने आ जाती है. इनफ. माँ, आप ही ने कहा था ना कि दौलतगंज या दौलतगंज के आसपास के शहरों में मैं जॉब नहीं कर सकती. ये तो बॉम्बे है, कितना दूर है. मॉम, आप पापा के लिए घर छोड़कर भागी थी ना. नाउ इट्स आवर टर्न. माँ, शी डिडंट मीन इट. सॉरी मम्मी. एक दिन, बस एक दिन दे रहे हैं हम आपको देवीना. कोई इज्जतदार काम मिल गया तो हम सब यही रहेंगे, वरना आप सब हमारे साथ वापस जाएंगे. एक दिन, एक दिन. ऑल द बेस्ट. एक दिन का ही टाइम है. आई होप कोई रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाए. कॉल सेंटर में आपको अमेरिकन एक्सेंट बोलने की ट्रेनिंग मिलेगी. क्वींस इंग्लिश. यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द क्वींस इंग्लिश. नाइट ड्यूटी होगी ऑब्वियसली, अमेरिकन टाइम. रात में किस तरह की लड़कियां बाहर रहती हैं जानती हो ना तुम. आई एम सॉरी, एक्चुअली बॉस के वाइफ की सिस्टर की दोस्त को ये इंटर्नशिप करनी है. शी विल बी जॉइनिंग अस. डिग्री है? मैम मेरा लास्ट ईयर पूरा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो मैं करेस्पॉन्डेंस है. सॉरी, हम स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. एक्सक्यूज मी, जस्ट 2 मिनट, प्लीज टेक अ सीट. और वो फाइल का क्या हुआ? कैन यू प्लीज टेल कुशाल मेहरा दैट ईशा इज हियर. एक्सक्यूज मी. सॉरी. आप, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं. हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? लुक एट यू. आई मीन आपके अटायर को देख के कौन कहेगा कि आप ही विक्रम बेदी है. कोको शनेल ने क्या कहा था? When a woman is badly dressed, they look at her clothes. But when a woman is well dressed, they look at the woman. और तुम जानती हो बिल गेट्स ने क्या बोला था? Don't waste your time dressing up. Just wear the same clothes every day. पर वो same thing ठीक से fit होना बहुत जरूरी है. बहुत time है तुम्हारे पास. अच्छा impression एक second में पड़ जाता है. फिर तो मुझे अपना stock portfolio पहन के चलना चाहिए. Careful, कहीं लोगों को ये ना लगे कि Mr. बेदी जूस है. लोगों की सोच और समझ से आगे बढ़कर ही सक्सेस मिलती है. मैं तो बस आपको थैंक यू और गुड बाय कहने आई.
आपने नहीं चाहा कि हम आपके पार्टी में आए, पर फिर भी आपने हमें नहीं निकाला. यू आर प्रेशियस. अब हम कल चले जाएंगे. अनलेस अनलेस आप मेरी बहन को जॉब दे दें. Do you know my associate Rahul? Yes. मैं उसे कह दूंगा तो मैं ड्रॉप कर देगा. So goodbye then, Miss Chanel. Vikram here. हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम था. सो देवीना दी डिड व्हाट शी ऑलवेज डज. व्हेन शी डिडंट गेट द जॉब शी वांटेड, शी डिड व्हाट वाज नीडेड. अरे वो ड्रेस छोड़ो, वो कहीं नहीं भाग रहा. सॉरी थोड़ा लूज है. अच्छा सुनो, यहाँ सब फ्रेंच क्विजीन खाने के लिए आते हैं. नाम अच्छे से देखना, नाम बोलना ना आए तो नंबर लिखना. दे कैन मेक अ मिस्टेक, वी कैन नॉट. ओके. Hello. We meet again. That wasn't sleazy at all. एक बार और ट्राई करें. ड्राइव पे जाने का प्लान नहीं है तुम्हारे? बन सकता है. चलें. Sorry. I'm busy. Listen. What's your name? Whatever. Listen. एक काम करते हैं. लंच पे चलते हैं. Let's go. सर मैं लंच के लिए जा रहा था. वुड दैट बी ओके? हैव लंच. डोंट बिकम वन. हैव फन. या. और उस दिन के बाद तो मिसेस गुप्ता की शक्ल नहीं आई. व्हाट आर यू डूइंग? यू स्पॉइल्ड माय ड्रेस. मैं तो आपसे बहुत दूर खड़ी थी. ओ So you are saying ये मैंने किया है? मैम मेरा मतलब था कि मेरा तो हाथ भी नहीं लगा ग्लास को. मैं आपके लिए टिश्यूज लेके आती हूँ. कितनी बदतमीज स्टाफ है. एक तो मिसेस चोपड़ा का ड्रेस खराब कर दिया, ऊपर से बहस कर रही हैं. Calm down, ladies. Calm down. Listen, सब ठीक हो जाएगा. It's all right. I mean, just glass गिरा है. Calm down, ladies. I'll get this sorted. Marilyn, Roxy, come here. तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारे पंजाब का ढाबा है? बिग सिटी है ये. ये हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं. एक तो उन पे ड्रिंक्स गिराए, ऊपर से ग्लास तोड़ दिए. इसके पैसे कौन भरेगा? आप अभी ये पैसे रख लीजिए. मैं पूरा महीना फ्री में काम करके सारे पैसे वापस कर. एक महीना? अभी के अभी निकलो यहां से. अभी के अभी. कम ऑन जॉयस, डोंट डू दैट. यू नो व्हाट, मैं इस कैफे में क्यों आता हूं? क्योंकि मुझे यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं, और उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है. आई नो कि आप अपने स्टाफ को चूज करने में परफेक्ट हैं, इसीलिए आपने उसको चूज किया है. और रही बात उस लेडी की, पैम भी जानती है कि मिसेस चोपड़ा को ना फालतू में आदत है हर बात में ड्रामा क्रिएट करने की, और ऐसे क्लाइंट्स को कैसे डील करना है यही आपको सिखाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आई मीन आई एम सॉरी, फ्री नहीं, ग्लास टूट गया था. यू आर सो लेट्स डू वन थिंग. जो भी नुकसान हुआ है ना, आपका ये कार्ड लो, ये चार्ज में. नो नो मिस्टर नंदा, आई कांट डू दिस. इट्स नॉट राइट. आपको उसको जॉब से निकालने की कोई जरूरत नहीं. ओके प्लीज प्लीज टेक इट एंड एवरीथिंग इज ओके. प्लीज आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो गया.
Take care. Bye. See you. Excuse me. Yes. मैं अपना कार्ड भूल गया. Okay. ये आपका कार्ड. Thank you. Actually. क्या हुआ? मुझसे बात करते रहने का बहाना ढूंढ रही हो? क्या? I mean no. सो बता. How can I help you? मेरी एक request थी. हाँ. आप मेरी family members को मत बताएगा कि मैं यहाँ waitress की job कर रही हूँ. Don't worry. Your secrets are safe with me. Bye. लाफ नीचे कीजिए, नीचे करो, चलिए बाहर आइए। बताइए ऑफिसर, क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने एक्सीडेंट किया मैडम, पीछे वाले सिग्नल पे एक इंसान को उड़ा दिया। अब बताइए कितना फाइन होता है? हम उसका डबल दे देते हैं। सब यही लड़की है, यही गाड़ी थी सर। यू मम्मी आंटी, आपसे एक्सीडेंट हुआ और आप लोग रुके भी नहीं। अच्छा और टाइम वेस्ट नहीं करते, उस आदमी को आप ही के कार में हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नॉनसेंस, आर यू सीरियस? दिस इज नॉट नॉनसेंस निशी। मैंने देखा निशी रोड के गलत साइड पर ड्राइव कर रही थी। सेज हू? आई डू। आप मेरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, इसमें साइन कर दीजिए। देखिए मैं नहीं चाहती कि इन्हें जेल हो, ये बस अपनी गलती मान ले और उस आदमी के ट्रीटमेंट के। आप समझ में आए, पैसे चाहिए राइट? आंटी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उस आदमी के ट्रीटमेंट की पैसे की बात कर रही हूँ। कितने पैसे चाहिए? I'll give it to you. निशी, हम इन्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। पैसे गए भाड़ में। अब FIR लॉन्च करनी सर, कहाँ साइन करूँ? What happened? Thank God you're here. ये लड़की निशी को ब्लैकमेल कर रही है, उसे पैसे लेने की कोशिश कर रही है। You're unwanted guest. अरे पर हुआ क्या है ये तो बताओ। निशी वॉज ड्राइविंग और एक स्टूपिड अंधा बाइक वाला इसके सामने आ गया विद नो रोड सेंस। इसे पैसे देने की कोशिश की लेकिन इन्हें और भी ज्यादा पैसे चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बिल्कुल भी। Wait a minute. विक्रम जी, मैं तो उस आदमी के ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए पैसे मांग रही थी। जो निशी तुम्हें दे रही थी, तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? अगर ये परी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी नहीं होती तो मैं अभी के अभी इसे। विक्रम जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं वही समझ रहा हूँ जो मेरी बहन मुझे बता रही है, और ये झूठ क्यों बोलेगी? ये आप इनसे पूछिए। You know, I don't understand कि आप जैसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिना फैक्स जाने सिर्फ अपनी बहन के कहने पर कैसे रिएक्ट कर सकता है? हाउ? और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बहन को पैसे ही चाहिए थे तो वो यहाँ क्यों आती, अपना टाइम वेस्ट क्यों करती? एक्सीडेंट स्पॉट पर पैसे लेकर उस बात को वहीं खत्म कर देती, राइट? और मेबी निशी की कोई गलती नहीं थी एक्सीडेंट में, बट उस इंसान को एक्सीडेंट स्पॉट पर छोड़कर जाना कहां की इंसानियत है? हाउ इज इट फेयर? एंड नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले ना प्लीज एक बार सोच लीजिएगा,
क्योंकि गलत इल्जाम लगाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता. एनीवे, मैं अपनी बहन को लेके जा रही हूँ. चलो. How dare she speak to you like that, Vikram? That's fine, ma'am. I'll handle it. I will.